निष्ठा। वैश्विक प्रबंधन सलाहकार फर्म मैकेंजी एक्सेंचर पल्स डेलोइट ने हाल में कोरोना काल के दौरान विभिन्न देशों के उपभोक्ताओं के मन की थाह लेने का प्रयास किया। उपभोक्ताओं के आशावाद संबंधी उनके इन सर्वेक्षणों को गंभीरता पूर्वक पढ़ा जा रहा है। इनमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की चिंताओं के बीच इस समय भारतीय उपभोक्ताओं का आशावाद दुनिया में सबसे ऊंचा है। इनमें भारतीय उपभोक्ताओं के बारे में तीन बातें उभर कर सामने आई हैं। एक, करीब 58% भारतीय उपभोक्ताओं के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में आगामी 2-3 महीनों में वापस तेजी आएगी। दो, करीब 32% भारतीय उपभोक्ताओं के मुताबिक अभी अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में करीब 6-12 महीने लग सकते हैं। तीन, करीब 10% उपभोक्ताओं का रुख ही अर्थव्यवस्था में सुधार को लेकर निराशावादी रहा। सर्वेक्षण में यह बात भी उभर कर सामने आई कि इस समय भारतीय उपभोक्ताओं का आशावाद कोरोना महामारी से पहले के स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं के खर्च करने की प्रवृत्ति अब मार्च 2020 से बेहतर दिखाई दे रही है। इससे मालूम होता है कि भारतीय उपभोक्ताओं के मन से कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट का डर तेजी से खत्म होता जा रहा है और वे अधिक खर्च कर रहे हैं। निसंदेह दुनिया में भारतीय उपभोक्ताओं के सर्वाधिक आशावादी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कोविड-19 की कठोर आर्थिक चुनौतियों के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार है। यदि हम अर्थव्यवस्था की वर्तमान तस्वीर को देखें तो पाते हैं कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। वहीं दूसरी तिमाही में 7.5% की गिरावट के बाद अब तीसरी तिमाही अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी में सुधार की तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दी गई विभिन्न राहतों ने तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया है। साथ ही सरकार की ओर से जून 2020 के बाद अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की रणनीति के साथ राजकोषीय और नीतिगत कदमों का भी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ा है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं सूचना प्रौद्योगिकी इस्पात सीमेंट ऑटोमोबाइल बिजली फार्मा रेलवे माल ढुलाई आदि क्षेत्रों का प्रदर्शन उम्मीद से भी बेहतर है। हम अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2020 तक के विभिन्न औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के आंकड़ों का मूल्यांकन करें तो यह पूरा परिदृश्य आशा की नई किरण दिखाता है। देश में पेट्रोल और डीजल की खपत अक्टूबर 2020 में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 6.6% बढ़ी है। इतना ही नहीं, अब वस्तु एवं सेवा कर संग्रह मार्च 2020 से अब तक के 9 माह में दूसरी बार नवंबर 2020 में 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है,
जो पिछले साल नवंबर के मुकाबले 1.4% अधिक है। पिछले साल नवंबर में जीएसटी संग्रह 1,03,491 करोड़ रुपए हुआ था। इससे पहले अक्टूबर में 1,05,155 करोड़ का जीएसटी संग्रह किया गया था। इतना ही नहीं, यह आकार कोविड से पहले फरवरी 2020 में प्राप्त जीएसटी के लगभग बराबर है। देश की अर्थव्यवस्था में उछाल के लिए भारत में बढ़ते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी योगदान है। यह कोई छोटी बात नहीं है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भी भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ी है। जब अप्रैल से अगस्त के बीच देश और दुनिया में सबसे अधिक आर्थिक मामले दिखाई दे रहे थे, उस दौरान भारत में विदेशी निवेश तेजी से बढ़ा। अप्रैल में अगस्त की अवधि में देश में 35.73 अरब डॉलर का अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया। पिछले वर्ष अप्रैल से अगस्त की अवधि की तुलना में यह करीब 13% ज्यादा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बीच भी भारत का शेयर बाजार तेजी से बढ़ा है। जो बाइडन उस दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जब भारत को अपने साथ लाने में अमेरिका के लंबे समय से किए जा रहे प्रयास रंग लाते दिख रहे हैं। हाल में नई दिल्ली ने वाशिंगटन के साथ कुछ ऐसे अहम समझौते किए हैं जो अमेरिका अपने करीबी सामरिक साथियों के साथ ही करता है। दरअसल चीन के साम्राज्यवादी तेवर ही मुख्य रूप से भारत को अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस साल हिमालयी क्षेत्र में चीन की बदनीयति और भारतीय सैन्य दलों के साथ टकराव को लेकर भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ऐसे में चीन से मुकाबले के लिए वह अमेरिका का साथ चाहता है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्र में 1962 जैसे टकराव की आशंका बढ़ रही है, तो भारत ने भी अमेरिका के साथ गलबहियां करने की अपनी हिचक तोड़ी है। दोनों देश चीन को साझा चुनौती भी मानते हैं। इस बीच भारत चार प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संगठन क्वाड में खासा सक्रिय हुआ है। क्वाड अमेरिका की मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत रणनीति के मूल में है। इसके सदस्य देशों का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास बीते दिनों बंगाल की खाड़ी में संपन्न भी हुआ। अमेरिका, जापान और भारत की नौसेना के साथ ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भी इस अभियान में शामिल हुई। तमाम आशंकाओं के बावजूद बाइडन के नेतृत्व में भारत अमेरिकी सहयोग की मूलभूत दिशा में बदलाव के आसार नहीं है। फिर भी भारत के लिए चिंता का सबब यही है कि बाइडन चीन के साथ तनाव घटाकर सहयोग बढ़ाने की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी किसी भी पहल का भारत के साथ रिश्तों पर असर पड़ेगा, खासतौर से नई दिल्ली के वाशिंगटन पर भरोसे को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। क्योंकि अमेरिका की चीन के साथ सीमा नहीं लगती, तो उसे बीजिंग से कोई तात्कालिक सुरक्षा खतरा नहीं, लेकिन भारत की स्थिति अलग है। इस साल की शुरुआत में जब भारत में वुहान से निकले वायरस से निपटने के लिए दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन लगा था, उसी दौर में चीनी सेना लद्दाख के भारतीय इलाके में दुस्साहस दिखा रही थी। रिचर्ड निक्सन से लेकर बराक ओबामा तक एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के उभार में मददगार बने रहे।
दक्षिण चीन सागर में बीजिंग द्वारा कृत्रिम द्वीप के निर्माण और उसका सैन्यकरण करने के बावजूद ओबामा ने यही कहा कि हमें समृद्ध चीन के बजाय कमजोर आक्रामक चीन से कहीं अधिक खतरा है। ऐसे में यह डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिनके राष्ट्रपति काल में अमेरिका ने चीन के प्रति अपनी नीति एकदम पलट दी। इस पहलू ने भी भारत को अमेरिका के करीब लाने में अहम भूमिका निभाई। यदि बाइडन चीन और उसके बिगड़ैल सहयोगी पाकिस्तान के प्रति नीति में नरमी बरतते हैं तो भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर पुनर्विचार का वह इसके लिए मजबूर होना पड़ सकता है। चीन पाक की धुरी का मजबूत होना भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। इससे देश के समक्ष दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति बन सकती है। इस बीच चीन के प्रति बाइडन की नरमी के संकेत मिलने भी लगे हैं। बाइडन को फोन पर बधाई देने के बाद जापानी प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने कहा कि उन्हें बाइडन से आश्वासन मिला है कि अमेरिकी प्रत्याभूत सुरक्षा जापान प्रशासित सेनकाकू द्वीप पर भी लागू रहेगी। मगर जब चीन की बात आई तो बाइडन कैंप ने यह पहलू को अनदेखा कर दिया। बाइडन ने यह संकेत भी दिए हैं कि वह ट्रंप प्रशासन की मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत रणनीति से किनारा करेंगे, जिसमें भारत को बहुत महत्ता मिली। भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं से फोन पर बातचीत में बाइडन ने मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत के बजाय सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत की बात कही। ऐसे में मुक्त एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत रणनीति के दिन अब गिने चुने दिखते हैं। संभव है कि बाइडन इस क्षेत्र के लिए नई रणनीति का ऐलान करें।